हम निकले चांदनी चौक लहंगे की शॉपिंग करने। हम जा रहे थे मॉल एक्चुअली, बट बीच रास्ते में मैंने बोला पापा से कि पापा चांदनी चौक में भी अच्छे मिलते, तो पापा ने कहा कि चांदनी चौक ही चलते हैं। तो हम पहुंच गए चांदनी चौक, ये रहा हमारा लाल किला, और आज की शॉपिंग पापा कराने वाले तो मैंने सोचा कि व्लॉग कर लेते छोटा मोटा। लहंगे की शॉपिंग करते टाइम वो वीडियो तो बनाने नहीं देंगे, बट मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि थोड़ा छुपके से बनाने की कोशिश करना, बट लेट्स सी कि आज लहंगा पसंद आता है कि नहीं आता। पहले मैंने फिर बोला था कि हम मॉल ही चलते हैं, बट फिर पापा ने कहा कि मॉल में जाओगे तो पसंद आ ही जाएगा, बट चांदनी चौक में एक्सप्लोर ज़्यादा हम कर सकते हैं, नया उधर फैशन आता है, नए फ्रेश आते हैं स्टॉक। तो हम चांदनी चौक निकले हैं, पहुँच ही गए चांदनी चौक, इसलिए मैंने पूरे रास्ते स्टार्टिंग में कोई ब्लॉग नहीं करा था, वीडियो नहीं बनाई। तो हम चांदनी चौक जाएंगे और देखते हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं होता, लेट्स सी। अरे वो थोड़ा नाटक करते सामने सामने। ओके सो हमने ले लिया है, और हमने पहली शॉप में ही ले लिया था, फिर मन को मनाने के लिए हम दोबारा और दो दुकानें गए मेरी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं घर से बोल के निकली थी कि पहली दुकान में पसंद आ जाता है, क्योंकि हमें ना मोस्टली तो हम पहली दुकान से ही नहीं लेंगे, बट हमें पसंद आ गया। बट फिर भी फलूदा, छोले भटूरे, दही बल्ला, कौन दही बल्ला यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है। चांदनी चौक हमारा ये रहा चांदनी चौक। सो या हमें लहंगा पसंद आ गया, और मैं फोटोज डाल देती हूँ, बट मैं प्रॉपर रेडी अभी नहीं हूँ, क्योंकि 10 तारीख को मिलेगा और ये ब्लॉग मेरा संडे को ही चला जाएगा, अभी लाइक परसों। तो मुझे लहंगा पड़ा 15 का बोला था, और हमें पड़ा ये 1400 का। तो मम्मा को थैंक यू बोल रही हूँ मैं बार बार, मैं रिक्शे में बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, और मेरा फ़ोन चोरी होने का डर है, बट मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊँगी जब मैं लूँगी बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह। आज की सवारी बहुत नाजुक है, प्लीज बम्पर को थोड़ा ध्यान से देख के चलाएं। वो पूछो को देख रहा है, पूछो पूछो को यार, ये तो बैठा था ना, अब तो टेनिस की एक बार तो हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी दोनों घुमाने के लिए। हम ना काफ़ी दिन से बाहर जा रहे थे, मतलब कभी शादी हो रही थी, कभी शॉपिंग हो रही थी, कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, हम बाहर जा रहे थे, और इनको ना हमेशा घर पे अकेले रहना पड़ रहा था, या तो भाई के साथ या तो अकेले। बट आज हम इनको लेकर आए जिससे कि फॉर अ चेंज इन्जॉय कर पाए, और ये यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये डॉग फ्रेंडली है,
तो यहाँ पे आप अपने कुत्तों को लेकर आ सकते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ से अभी से दिख गए हैं कि काफी सारे डॉग्स आए हैं, लाइक डॉग्स वाली फैमिली आई है। पापा भी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, इनके साथ हम एंजॉय करेंगे आज पूरा दिन। ये देखो मुझे ये चला के चलो चलो घुमाओ निकाल ले बाबू। चलो पीपो पीपो घूमो 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 उधर 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 से चलो देखा ही नहीं पापा को। बस दूर दूर से मुझे कह रहा पढ़ने वाला। अभी तो पिया तुमने। इसे तो पानी बहुत ज्यादा है। मैं दोबारा मेरा दिक्कत है तुझे। ले पूरा पी। हाँ कहाँ फेंकूंगी मैं पानी। पूछो पीपले पीपले भैया का झूठा। अरे नहीं ओके हमने सोचा है कि इन दो पेड़ के बीच में बैठेंगे ताकि धूप भी और छाव भी, और यहाँ पे फूड कॉर्न काउंटर है तो हम वहाँ पे जाके खाएंगे। सही है। छेदा जादू सामने दिखा तो ले। जो बैठना था पहली बैठ गया। चादर ओढ़ते ही बैठ जाऊंगा मैं तो। बोलो पूजू मैं तो सो जाऊं। चलो प्रे पूजू बैठा एक फोटो लेके। जैसे सिगरेट फूंकते हुए लोग बोलते नहीं है। अंदर हड्डी है। हमने एक स्पॉट ढूंढ लिया है बट ये दोनों इतने बदतमीज है। ये बस आसमान में भौंकी जा रहा है और ये चाय गिराएगा। अच्छा कौवे पे भौंक रहा है। देखो कोई है ही नहीं। कुत्ते का नाम हुआ शिज़ू। और यहाँ पे काफी सारे डॉग्स हैं जो घुमाने लेकर आए हैं। और यहाँ पे इन्होंने टेक लगा ली क्योंकि मम्मा के कमर में दर्द हो रही थी तो पापा ने सपोर्ट दिया है। लव बर्ड्स हो रखे यहाँ पे। ये बना कि थंबनेल ले लेते हैं हम यहाँ का एक। शेल्डन दैट्स माय स्पॉट। ओके सो हमने लाइक ज़्यादा देर नहीं एक डेढ़ घंटे थे बट थोड़ी लाइक ग्रास में भी ओस थी और हमें ठंड लग रही थी तो हम अब निकल रहे हैं। देखते हैं बाहर जाएंगे खाना खाएंगे। और ये रहे मम्मी पापा आगे से आ रहे हैं और वहाँ इतना प्यारा सनसेट हो रहा है खूबसूरत बहुत अच्छी लग रहा है। मैं मम्मी को कही थी मैं अकेले आना चाहती हूँ यहाँ पर घूमने के लिए बट ये ज़्यादा हो गया। बट आपको अलोन पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पर अच्छा लगेगा। आप सुंदर नर्सरी के आस पास रहते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ज़रूर आइएगा।